हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीषराम। स्टैंडर्ड 12th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इजिकल टू 81 दिया है। इसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो इक्वेशन है उसको एज इट इज लिख देंगे, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी बाई डी एक्स ऑफ, ओके मैं सबको पहले से इंडिविजुअल डी बाई डी एक्स दे देता हूँ। तो एक्स क्यूब का डेरिवेशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई का डेरिवेशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेशन होगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब का डेरिवेशन होगा और राइट साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ 81 का डेरिवेशन होगा। तो यहाँ पे एक्स क्यूब का डेरिवेशन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक्स क्यूब का डेरिवेशन 3x स्क्वायर होता है और एक्स स्क्वायर वाई है, उसमें पहले y को एज इट इज रखेंगे, उस टाइम पे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता है प्लस अब y एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे और d बाई डी एक्स ऑफ y करेंगे। नाउ सेकेंड थर्ड स्टेप में d बाई डी एक्स ऑफ, उस टाइम पे y स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होगा प्लस एक्स एज इट इज रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब सॉरी वाई क्यूब का यहाँ पे हम कर देते हैं ना क्योंकि अकेला ही है। तो वाई क्यूब का क्या होगा, पावर 3 है वो आगे आ जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई 81 का डेरिवेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे ये 3x स्क्वायर एज इट इज, बाद में यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन क्या होता है तो 2x होगा, तो 2xy ऐसे लिखेंगे हम। यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज है और y का डेरिवेशन dy बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे सेकेंड स्टेप में ए वाले में वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, एक्स का डेरिवेशन क्या हो जाता है 1, तो वाई स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर का डेरिवेशन क्या होता है, एक्स एज इट इज रहेगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेशन 2y और dy बाई dx और लास्ट में 3y स्क्वायर और y dy का ऐसा dy बाई dx इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो dy बाई dx वाले टर्म है ना वही लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे आएगा ऐसा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे एक्स इंटू 2y, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और इतने यहाँ पे बाकी के जितने टर्म है उसको लेफ्ट साइड लेके चले जाते हैं राइट साइड और माइनस की साइन कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 3x स्क्वायर में से इस साइड आता है माइनस 3x स्क्वायर हो जाते हैं, तो ऐसे लिखते हैं 3x स्क्वायर 2xy है वो इस साइड आएगा तो माइनस 2xy होगा, तो उसमें से भी हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो प्लस 2xy प्लस 2xy और यहाँ पे जो y स्क्वायर है उसको भी इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ पे से सभी में से dy बाई dx कॉमन निकाल सकते हैं तो dy बाई dx को कॉमन निकालेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू माइनस थ्री, सॉरी माइनस थ्री कॉमन नहीं आता है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में इस साइड आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो यहाँ पे फुल एंड फाइनल आंसर ऐसा होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आप लोगों का आई होप कि समझ में आया होगा, एक बार वापस समझ लेते हैं। जो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्वेश्चन है उसके अंदर सबको सेपरेटली डेरिवेशन हमने दे दिया फर्स्ट स्टेप में, ये सबको अलग अलग डेरिवेशन कर दिया। नाउ एक्स क्यूब का डेरिवेशन क्या होता है, थ्री एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर वाई है, उसमें पहले क्या करेंगे, वाई को एज इट इज रखेंगे, मल्टीप्लीकेशन लॉ यूज होगा, फिर दो अलग अलग टर्म दिए तो वाई को एज इट इज रखेंगे, एक्स का डेरिवेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर ऐसा लिख दिया, और वाई अब एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा है और हमने वाई का डेरिवेशन किया डी वाई बाई डी एक्स इस तरह से पूरा टर्म। और यहाँ पे भी ऐसा इस थर्ड स्टेप का भी हमने स्प्लिट आउट किया, पहले वाई स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, उस टाइम पे एक्स का डेरिवेशन डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और अब यहाँ पे क्या करेंगे एक्स को एज इट इज रखेंगे और वाई स्क्वायर का डेरिवेशन करेंगे, और लास्ट यहाँ पे इस स्टेप पे तो वाई क्यूब का डेरिवेशन क्या होता है थ्री वाई स्क्वायर, एक पावर कम हो जाएगा, और यहाँ पे डी वाई डी बाई डी एक्स ऑफ ए वाई, और 81 का डेरिवेशन क्या होता है जीरो हो जाता। नाउ अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन क्या होता है टू एक्स होता है, तो यहाँ पे टू एक्स इंटू वाई यानी कि टू एक्स वाई लिख दिया। यहाँ पे वाई का डेरिवेशन तो डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रखना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे वाई स्क्वायर एक्स का डेरिवेशन वन हो जाता है तो वाई स्क्वायर इंटू वन, ओके हमने एज इट इज रखा है, एक्स को एज इट इज रखा, वाई स्क्वायर का क्या होता है टू वाई होता है, और वाई का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स होगा, और यहाँ पे थ्री वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ओके थ्री वाई स्क्वायर तो एज इट इज रखना है। अब यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म है उसको एज यहाँ पे नीचे लिखा हमने फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे एक्स इंटू टू इंटू वाई तो टू एक्स वाई हमने लिख दिया टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे थ्री वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स उसको हमने लेफ्ट साइड लिखा, और ये बाकी के जो टर्म है विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाले ये तीन टर्म उसको राइट साइड लेके गए, और उसमें आगे कॉमन माइनस के साइन, क्योंकि सारे प्लस में इस साइड लेफ्ट साइड तो सारे राइट साइड आ गए तब माइनस हो जाएंगे, तो हमने माइनस के साइन आगे पुट कर दी और सभी को ब्रैकेट के अंदर प्लस के टर्म में लिखा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर जो मल्टीप्लीकेशन में इस साइड आएगा तो डिविजन में हो जाएगा, और यहाँ पे इस तरह से आपका फुल एंड फाइनल आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे थ्री वाई स्क्वायर है वो नीचे देखना भूलना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियो। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।